दोस्तों, जहां एक तरफ देश के कोनों कोनों में अयोध्या में 22 जनवरी को रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में आने के लिए न्योते भेजे जा रहे हैं, लोग तरह तरह की तैयारियां कर रहे हैं, अलग अलग जगहों से लोग अपनी तरफ से अयोध्या पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि एक बार तो खुद मोदी जी ने भी प्रार्थना कर ली है देशवासियों से कि 22 जनवरी को अयोध्या का प्रोग्राम न बनाए। लेकिन भावनाओं का रैला ऐसा है कि कोई साइकिल लेकर निकल पड़ा है, कोई स्केट्स लेकर, कोई पैदल, तो कोई मौन व्रत करके इतने सालों से बैठा हुआ है और अब मौन व्रत तोड़ने के लिए वहां पहुंचना चाहता है। किसी की कार सेवा के दौरान मृत्यु हुई तो उनको भी न्योते भेजे जा रहे हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको इस तरह से न्योते मिले हैं। लेकिन सबके बीच देश की राजनीति में भी एक बड़ा उबाल आया हुआ है। भाजपा इसे मुद्दा बनाकर भुनाने की कोशिश में है और रहेगी भी आगे आने वाले लोकसभा चुनावों में। तो वहीं सारे विपक्षी दल जो हैं वो इससे जरा दूरी बनाए हुए हैं। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में जाने से कांग्रेस ने इनकार कर दिया है। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, अधीर रंजन समेत सभी कांग्रेस नेता इस कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे। कांग्रेस ने कहा कि यह कार्यक्रम भाजपा ने राजनीतिक लाभ के लिए आयोजित किया है। कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर एक लेटर शेयर किया है जिसमें उसने राम मंदिर के उद्घाटन में न जाने के फैसले का कारण बताया है। इसमें कांग्रेस ने लिखा है कि धर्म निजी मामला है, लेकिन बीजेपी आरएसएस ने मंदिर के उद्घाटन कार्यक्रम को अपना एक इवेंट बना लिया है। पिछले महीने कांग्रेस प्रेसिडेंट और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी की चेयरपर्सन सोनिया गांधी और लोकसभा में कांग्रेस पार्टी के लीडर अधीर रंजन चौधरी को राम मंदिर के उद्घाटन समारोह में शामिल होने का निमंत्रण मिला था। भगवान राम हमारे देश के करोड़ों लोगों के पूजनीय हैं। धर्म एक निजी मामला है, लेकिन भाजपा आरएसएस ने अयोध्या के मंदिर को एक पॉलिटिकल प्रोजेक्ट बना दिया है। भाजपा और आरएसएस के नेताओं की तरफ से अधूरे मंदिर का उद्घाटन जाहिर तौर पर चुनाव में फायदा पाने के लिए ही किया जा रहा है। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट के 2019 के फैसले का पालन करते हुए और उन करोड़ों लोगों की आस्था का सम्मान करते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और अधीर रंजन चौधरी ने भाजपा आरएसएस के इस इवेंट का निमंत्रण ससम्मान ठुकरा दिया है। दोस्तों, कांग्रेस ने वहां न जाने का अपना मन बना लिया है, लेकिन वहीं राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मीडिया से बात करते हुए कुछ ऐसी बात कह दी है कि सभी सोच में पड़ गए। उन्होंने मोदी जी को याद दिलाया है कि इस मंदिर के बनने में राजस्थान और पूर्व राजस्थान सरकार का काफी अहम योगदान है, तो वो भूल गए। वो नहीं भी बुलाएंगे तब भी मैं जाऊंगा। सुनिए क्या कहा गहलोत ने। फॉरेस्ट एरिया निकला है, वो सेंचुरी की तरह एरिया था, उससे निकला है, पत्थर उसके बाद में गया है, तो राजस्थान सरकार का बहुत बड़ा योगदान है इस मंदिर को बनाने के अंदर। उसके लिए कोई नाम नहीं ले रहा है, ना मोदी जी ले रहे हैं, ना वहाँ कोई वहाँ के जो लोग हैं उनको याद करना चाहिए कि अगर राजस्थान सरकार कोऑपरेट नहीं करती, मिस्टर मिश्रा जी जो थे वो भी, और मिस्टर राय जो अभी जिनका नाम आया था विवाद के अंदर, संपत राय जी, वो खुद मुझसे आके मिले थे। मिश्रा जी का फोन मेरे पास आया था, उन्होंने पूरा कोऑर्डिनेट किया और जाके इसको पूरा टेक्निकली एरिया को निकलवाया गया भारत सरकार से, पर्यावरण से और फॉरेस्ट से, तब जाके मंदिर का निर्माण हो सका है। कम से कम हमारी राजस्थान सरकार को याद तो करते, धन्यवाद देते, भूल रहे हैं। आपको बुलाना चाहिए था, मतलब बुलाए नहीं बुलाए, उनकी मर्जी है, नहीं बुलाएंगे तो मैं जाऊंगा, कब जाऊंगा मेरी मर्जी पर है, पर ये जो तरीका इनका है मैं समझता हूँ उचित नहीं कह सकता। सुना आपने। तो दोस्तों, ये है पूरा मामला। इस पर आप क्या सोचते हैं? क्या राम मंदिर के पॉलिटिकल, क्या राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को पॉलिटिकल इवेंट बनाना सही है? क्या भाजपा का इसको पूरे प्रोग्राम को हाईजेक करना चाहिए? क्या राजस्थान का योगदान इसमें है या नहीं है? और क्या कांग्रेस का इस कार्यक्रम में नहीं जाने का निर्णय आपके हिसाब से सही है या गलत? अपनी राय जरूर दें। और हाँ, जाते जाते लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।